हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम इंटीग्रेशन इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम कन्वर्जन ऑफ ओडी इनटू इंटीग्रल इक्वेशन देख रहे थे, ठीक है। आज उसी को टॉपिक को आगे, पिछले लेक्चर में हमने वोल्ट्रा देखा था, वोल्ट्रा से इंटीग्रल, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को वोल्ट्रा में कैसे चेंज करना है, वोल्ट्रा से डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करना है, ठीक है। और ये कब कब हमें कौन सा क्या मिलेगा, वोल्ट्रा कब मिलेगा और फिड्रॉल कब मिलेगा, ये दिखा था, ठीक है। आज फिड्रॉल का देख लेते हैं। देखो, पहला है, हम डायरेक्ट मेथड पढ़े थे। इसमें दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और अल्टरनेट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं। इससे पहले पहला है, देखो फिड्रॉल में चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बाउंड्री कंडीशन देखी है, ठीक है। वोल्ट्रा में क्या था, इनिशियल कंडीशन में, जब इनिशियल कंडीशन दी रहेगी तो हमें क्या वोल्ट्रा मिलेगा, ठीक है। जब बाउंड्री कंडीशन दी रहेगी तो हमें क्या मिलेगा, फिल्ड्रॉल मिलेगा, ठीक है। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस वो डिपेंड करेगा, ठीक है, कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा और इक्वेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जो ओडी का इक्वेशन दे रखा है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, देखो y डबल डैश इक्वल टू माइनस लैम्डा y, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, जो हायर ऑर्डर है, हायर डिग्री, ठीक है, हायर डिग्री के क्या करते हैं, एक साइड और बाकी को दूसरी साइड लिख जाते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं इसे, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट टी भी कर सकते इसको, तो ये आएगा वाई डबल डैश टी, इसको टी लिख दो, ठीक है, जीरो टू एक्स डी टी इक्वल टू माइनस लैम्डा जीरो टू टी वाई टी जीरो टू एक्स, ठीक है। इसमें लिमिट लिख दो, लिमिट जीरो टू एक्स है, ठीक है। यहां देखो फिर ये जाएगा जीरो टू y डबल डैश t x से जीरो इक्वल टू लैम्डा जीरो टू x y t dt, इट इज इंप्लाइड है हमारे मिलेगा हमें y डैश x माइनस y डैश जीरो इक्वल टू माइनस लैम्डा जीरो टू x y t dt, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू तो दी नहीं है, ये क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू हम बाद में निकालेंगे। ये क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, हम इसको k ले लेते हैं, ठीक है। y dash x minus k equal to minus lambda 0 to x y t dt, ठीक है। लेट हमने लिखा y dash 0 equal to k, हमने इसको k लिख लिया, ठीक है, मतलब हमें आया y dash x equal to k plus sorry minus lambda 0 to x y t dt, अगेन इंटीग्रेट, अगेन इंटीग्रेट करा जीरो टू x y dash t dt, ठीक है, इक्वल टू k जीरो टू x dt माइनस लैम्डा जीरो टू x y t dt, यहाँ पे जीरो टू x दो बार y t dt का स्क्वायर, ठीक है। इट इज इंप्लाइड दैट हमें क्या मिला, y dash t y t 0 to x माइनस इक्वल टू k t 0 to x माइनस लैम्डा, ये क्या है, देखो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 0 to x x माइनस t y t dt, ठीक है। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मल्टीपल ऑफ n साइन इंटीग्रल्स, ठीक है, कन्वर्ट मल्टीपल ऑफ एन साइन इंटीग्रल इनटू सिंगल इंटीग्रल, ठीक है, उस फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा हमारा वाई एक्स, इट इज इंप्लाइड एट वाई एक्स माइनस वाई जीरो इक्वल टू के के एक्स माइनस लैम्डा जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी dt, ठीक है। इसकी वैल्यू तो जीरो हमारे पास, ठीक है, ये जीरो है,
ये जीरो है, ये वाई एक्स है, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये जीरो है तो मैं इसको मिटा देती हूँ, ठीक है। ठीक है, हमारे पास आ गया वाई एक्स, आ गया, इसे इक्वेशन वन ले लो, ठीक है। अब देखो पुट, यहां पर लिख लेते हैं इसे, पुट एक्स इक्वल टू टू पाई इन वन, ठीक है। तो वाई टू पाई क्या जाएगा हमारे पास, वाई टू पाई के टू पाई माइनस लैम्डा जीरो टू टू पाई एक्स टू पाई माइनस टी वाई टी डी टी, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर क्या रखना है, टू पाई रख देना है, ठीक है। वहां वहां पर हमें क्या रख देना है, टू पाई। तो के टू पाई माइनस लैम्डा जीरो टू टू पाई एक्स पर टू पाई माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है। अब देखो y 2 पाई के अंदर हमें 0 देता है, k 2 पाई इसको लिख दो 2 पाई k लिख दो माइनस लैम्डा 0 टू 2 पाई 2 पाई माइनस t y t dt, ठीक है। अब देखो यहां से k की वैल्यू निकल जाएगी, ये k इधर जाएगा, ठीक है। देगा k इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई लैम्डा 0 टू 2 पाई 2 पाई माइनस टी वाई टी डी टी, पुट वैल्यू ऑफ के इन वन, ठीक है। के की वैल्यू किसमें रखने में, वन में रखनी है, के की वैल्यू वन में रखनी है। तो हमारे पास क्या आएगा, वाई एक्स क्या जाएगा, वाई एक्स इक्वल टू एक्स इंटू के की वैल्यू रखनी है तो 1 अपॉन 2 पाई लैम्डा 0 टू 2 पाई 2 पाई माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे था माइनस लैम्डा 0 टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, और अब क्या आ जाएगा, देखो यहाँ क्या आ रही है, 0 टू एक्स 0 टू 2 पाई, ठीक है। हम क्या कर देंगे, इस लिमिट को तोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो हम क्या, हमने क्या करना है, इस लिमिट को तोड़ देना है, ठीक है। जीरो टू टू पाई दे रखा है तो हम कर देंगे जीरो टू एक्स और एक्स से टू पाई, ठीक है। अब देखो तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स वन अपन टू पाई लैम्डा, इसके साथ ले लैम्डा, इस सब एक साथ ले लो, जीरो टू एक्स 2 पाई माइनस टी वाई टी डी टी प्लस एक्स से 2 पाई माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है। ये हो गया ब्रैकेट पर माइनस लैम्डा 0 टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है। अब क्या करना है, 0 टू एक्स वाली को एक साथ ले लेंगे, बाकी को अलग, ठीक है। यहां से जाएगा, यहां इंटू करोगे तो तुम ये जीरो टू एक्स लैम्डा दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो एक्स अपॉन टू पाई टू एक्स माइनस टी, यहां पर माइनस ये क्या होगा, एक साथ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है। देखो यहां इसके साथ इंटू होगा ये पहले, फिर क्या होगा, ये माइनस साइन है फिर माइनस होगा, ठीक है। तो एक्स अपॉन टू पाई इंटू टू पाई माइनस टी माइनस एक्स माइनस टी, ये माइनस हो रहा है माइनस एक्स माइनस टी, ठीक है। अब आएगा प्लस ये वाला एक्स से टू पाई, एक्स अपॉन टू पाई माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से इसका एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा एक्स एक्स इंटू 2 पाई x माइनस एक्स टी माइनस, यहाँ ये इंटू जाएगा 2 पाई x माइनस माइनस प्लस 2 पाई t, ठीक है। अपॉन ये 2 पाई बाहर आ गया, ठीक है। तो इससे ये कट गया हमारा, ठीक है। और यहां से आया वाई टी डी टी प्लस x से 2 पाई x अपॉन 2 पाई, ये ऐसी रहा, ठीक है। ये लैम्डा भी है इसके साथ, ठीक है। ये लैम्डा मत भूलना, लैम्डा,
रूट टू टू पाई, टू पाई माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है। तो यहां से देखो लैम्डा टू पाई जीरो टू एक्स, यहां से हमने टी कॉमन ले लिया, ठीक है, टी एक्स टी कॉमन लिया तो टू पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, टू पाई माइनस एक्स वाई टी डी टी प्लस लैम्डा एक्स से टू पाई एक्स अपॉन टू पाई टू पाई हमने t के अपॉन में लिया, एक्स अपॉन टू पाई माइनस t वाई टी डी टी, ठीक है। तो हमने वाई एक्स, तो हम वाई एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं लैम्डा जीरो टू टू पाई के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी, ठीक है, वेयर के एक्स कॉमा टी इक्वल टू के एक्स कॉमा टी क्या है, देखो स्प्लिट हो रहा है, ब्रांच करना है, मिल रहा है, ठीक है। मैं टी अपॉन टू पाई माइनस एक्स कब है, जब जीरो इज लेस देन इक्वल टू टी, ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर एक्स अपॉन टू पाई माइनस टी कब है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू टी इज लेस देन इक्वल टू टू पाई, ठीक है। देखो लैम्डा जीरो टू टू पाई के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी बन गया, जहां के एक्स टी क्या है, टूट रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ठीक है, जब x is less than equal to t है, x is t is less than equal to x है, और जब x is less than equal to t है, ठीक है, मिस्टेक हो गई थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब t is less than equal to x है तो हमारे पास कर्नल क्या ये है, जब x is less than equal to t है तो हमारे पास कर्नल ये वाला है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये कौन सा बना हमारा, हमारा बना है होमोजीनियस फिल्ड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, बना नहीं बना, ठीक है, होमोजीनियस है, फिल्ड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन है, लिमिट देखी है, देखो बाउंड्री कंडीशन देखी है, तो हमारे क्या निकली फिल्ड्रॉल इंटीग्रल इक्वेशन, और कौन सी काइंड की है, सेकंड, अल्फा क्या है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है, और सेकंड काइंड, ठीक है। अब देखो उसके कर्नल के बारे में, देखो कर्नल के बारे में क्या क्या कह सकते हो, ये क्या है, हमने क्या पढ़ते हैं, डिजनरेट है, नॉन डिजनरेट, ठीक है, ये क्या है, नॉन डिजनरेट कर्नल है, कर्नल क्या है हमारा, नॉन डिजनरेट। दूसरा क्या, सिमेट्रिक है, हाँ सिमेट्रिक है, अगर हम ये वाला हटा दे, ऐसे हटा दे, ठीक है, जब x की जगह पे t रखो, k x कॉमा t, k t कॉमा x, k t t की जगह पे x की जगह पे t रखो, ठीक है, x इज लेस इक्वल टू t आ जाएगा, और ये आ जाएगा t अपॉन 2 पाई, 2 पाई माइनस x, ठीक है, आया नहीं आया हमारा, ये आया ना, ये आया ना कर्नल, तो हमारे क्या है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, कोवलेशन है, कोवलेशन ये नॉट कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, कॉन्वोल्यूशन नहीं है, ठीक है, x माइनस t के फॉर्म में नहीं है ये, फाई x माइनस t मतलब फंक्शन x माइनस t के फॉर्म में नहीं है, तो कॉन्वोल्यूशन नहीं है, हमारे पास क्या है, नॉन डिजनरेट कर्नल है, सिमेट्रिक कर्नल है, ठीक है, ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस पर सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड में y डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू एक्स है, कंडीशन दे रखी है y जीरो इक्वल टू जीरो, y डैश वन इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। अब देखो y डबल डैश इक्वल टू माइनस लैम्डा वाई प्लस एक्स है, ठीक है, ऐसे लिख दो x माइनस लैम्डा वाई, ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे से, इंटीग्रेट जीरो टू x y डबल डैश t y t dt, या तो तुम इसको x लिख सकते हो, x dx लिख सकते हो, बाद में क्या आएगा, ये इस फॉर्म में आएगा 0 टू x y x dx, तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, ये 0 टू x y x dx, ठीक है, ये dx स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, तो तुम क्या करोगे, x इक्वल टू t लिख देना, ठीक है, तो 0 टू x 0 टू x, ठीक है, लिमिट लिमिट क्या रहेगी, x की भी t बन जाएगी,
अलग से रहने देना, ठीक है, यहाँ पर चेंज कर दे y टू t dt का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या लगा दोगे, फॉर्मूला लगा देना, जीरो टू x x माइनस t y t dt, ठीक है। उसके बाद या तो तुम x में, या तो तुम यहाँ पर भी सीधा लिख सकते हो, ठीक है, x जीरो टू x माइनस लैम्डा जीरो टू x y t dt, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये जाएगा x स्क्वायर, x को यहाँ पे t में बदल देना, ठीक है, यहाँ पे t स्क्वायर by 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू x माइनस लैम्डा 0 टू x y t dt, इंटीग्रेशन करते रहे हम, x को t में चेंज कर दे रहे, ठीक है, x को t में चेंज कर दे रहे, तो हर जगह क्या आएगा, x सेट पर t आएगा, लिमिट क्या आएगी, 0 टू x, ये हो जाएगा x स्क्वायर by 2, ये 0 जाएगा माइनस लैम्डा 0 टू x y t dt, यहाँ पर हो जाएगा y dash x y dash t सॉरी 0 टू x, ठीक है, ये हो जाएगा y dash x माइनस y dash 0, ठीक है, y dash 0, लेकिन y dash 0 तो हमें दे नहीं रखा है, हमें ये दे रखा है y 0 पे 0, y dash 1 दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू 1 by 2, y dash 0 नहीं देखा तो हम इसको क्या लिख देते हैं, k लिख देते हैं, y dash x इक्वल टू k इस साइड को लेगी, ठीक है, मैं इस साइड को क्या देगा, प्लस देगा, तो k प्लस x स्क्वायर by 2 माइनस लैम्डा 0 टू x y t dt, ठीक है, यहाँ जाएगा y, तो अब दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 टू x y dash t, यहाँ लिख दो अगेन इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेट, ठीक है, 0 टू x y dash t dt इक्वल टू k 0 टू x dt प्लस 0 टू x t स्क्वायर by 2 माइनस लैम्डा 0 टू t 0 टू x, यहाँ पर जाएगा फिर 0 टू x y t dt का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यह हाँ हो जाएगा y t 0 टू x इक्वल टू k t 0 टू x प्लस t क्यूब by 6 0 टू x माइनस लैम्डा 0 टू x में फॉर्मूला लगा देंगे हम, x माइनस t y t dt, ठीक है, यहां से फिर जाएगा y x माइनस y 0 क्या था हमारे पास 0, तो मैं इसको मिटा, इसको नहीं लिख रही, ठीक है, y 0 हमारे पास 0 है, ठीक है, y 0 क्या हमारे पास 0 है, ठीक है, यहाँ पर kx रहेगा प्लस x क्यूब by 6 माइनस लैम्डा 0 टू x x माइनस t y t dt, ठीक है, हमारा क्या निकल गया, y x निकल गया, ठीक है, y x निकल गया, y dash x निकालो, y dash x निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास y dash x क्या है, ये रहा, ठीक है, ये y dash x है, ये इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 लिख लो, ठीक है, put x equal to 1 in 1, ठीक है, इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, y dash 1 equal to k plus 1 by 2 माइनस लैम्डा 0 टू 1 y t dt, इट इज इंप्लाइड दैट इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 by 2 equal to k plus 1 by 2 माइनस लैम्डा 0 टू 1 y t dt, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया, देखो इससे ये आ गया, ठीक है, हमें क्या दे रखा है, y dash 1 क्या दे रखा है, 1 by 2, तो 1 by 2 equal to k प्लस 1 by 2 माइनस लैम्डा 0 टू 1 y t dt, इसे 1 by 2 से 1 by 2 कट गया, ठीक है, अब क्या आ गया, k क्या आ गया हमारे पास, तो हमारे पास k आएगा k equal to lambda 0 to 1 y t dt, put value of k in 2, ठीक है, तो हमारे पास y x क्या आएगा, y x equal to x into 0 to 1
एक्स इंटू लैम्डा जीरो टू वन वाई टी डी टी, ठीक है। और यहां से प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स माइनस लैम्डा जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, हम स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे हम इसे, लैम्डा जीरो टू एक्स वाई टी डी टी प्लस एक्स से वन, ठीक है। लिमिट क्या है हमारी, वन जीरो टू वन वन वाई टी डी टी प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स माइनस लैम्डा जीरो टू एक्स एक्स माइनस टी वाई टी डी टी, ठीक है। अब देखो जीरो टू एक्स जो सेम लिमिट वाली है उनको एक साथ ले लेते हैं, यहां से लैम्डा जीरो टू एक्स एक्स वाई टी डी टी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस टी वाई टी डी टी प्लस लैम्डा एक्स टू वन वाई टी डी टी प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स, इसको मत भूल जाना भी, ठीक है। तो हमारे साथ इसको पहले लिख लेते हैं, एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस लैम्डा जीरो टू एक्स टी, ये क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे एक्स माइनस एक्स प्लस टी वाई टी डी टी, यहाँ एक्स का इंटू होगा, ठीक है, एक्स यहाँ इंटू हुआ यहाँ पर भी इंटू होगा, ठीक है, वाई टी डी टी प्लस लैम्डा एक्स टू वन एक्स वाई टी डी टी, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारे पास वाई एक्स क्या है, हमारे पास वाई एक्स आएगा एक्स क्यूब बाई सिक्स प्लस लैम्डा जीरो टू वन के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी, ठीक है। तो हमारे पास वेयर के एक्स कॉमा टी क्या है, हमारे पास यहाँ पर टी है जब टी क्या है लेस देन इक्वल टू एक्स जीरो से बड़ा है, और दूसरा एक्स है जब जब x क्या है t से छोटा और लेस इक्वल टू वन, ठीक है। यह हमारा क्या निकल गया, फिटॉल। अब ये क्या है, फिटॉल नॉन होमोजेनियस, ठीक है। देखो नॉन होमोजेनियस इससे भी आया, यहां पर से भी आएगा, ठीक है, नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस फिटॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। अब कर्नल के बारे में देखो, के एक्स टी क्या है हमारे पास, पहले क्या है नॉन डिजेनरेट, दूसरा सेकंड सिमेट्रिक, ठीक है। देखो अगर हमें ये लिमिट हटा दे, ठीक है, तो हमारे पास एक्स जब एक्स की टी एक्स रखेंगे तो एक्स पर टी टी की जगह एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा, के एक्स टी निकल जाएगा हमारा, ठीक है, ये सिमेट्रिक हो गया, नॉट कॉन्वोल्यूशन कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, नॉट कॉन्वोल्यूशन, नॉन डिजेनरेट है, सिमेट्रिक है और नॉट कॉन्वोल्यूशन है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे कर्नल के बारे में हो गया, ठीक है, इसी के बारे में पूछता है इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो अब इस पर, ठीक है। देखो ये क्या आता है एचएनबी 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इसमें देखो इसमें एक इसमें था कैन नेम नेचर ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बी स्टेटेड विदाउट कन्वर्टिंग डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है। इसमें था कि हम क्या इसमें कैन भी नेचर या नेम दे सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का विदाउट कन्वर्टिंग इंटीग्रल इक्वेशन में, ठीक है, कन्वर्ट नहीं करना है, पहले नेम बता देना है हमें, ठीक है, हाँ दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये बाउंड्री कंडीशन क्या है, ये बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन नहीं है, बाउंड्री कंडीशन है, और बाउंड्री कंडीशन फिटॉल में चेंज होती है, ठीक है। उसने लिखा था इफ यस, अगर यस है तो लॉजिक बताओ, ठीक है, हमें पता है कि ये बाउंड्री कंडीशन क्या है, फिटॉल इंटीग्रल इक्वेशन में चेंज होती है, ठीक है, ये मेन लॉजिक है इसमें, क्योंकि हमें क्या देखा बाउंड्री कंडीशन देखी है, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस तो बाद में देखेंगे, पहले क्या है हमारा बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। अगर कंडीशन हमारी क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर कंडीशन इनिशियल है तो हमें क्या मिलेगा वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन, और बाउंड्री है तो फिटॉल इंटीग्रल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, ये हमारी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंडीशन से हम पता लगा सकते हैं कि किसमें चेंज होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो इसमें,
देखो इम्पोर्टेंट नोट्स देखो, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट्स जैसे हमने वोल्टर एंटी का इक्वेशन के लिए देखे थे, वैसे हम फिडॉल के लिए देखेंगे, ठीक है। जब हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन में बाउंड्री बाउंड्री दी होगी, बाउंड्री कंडीशन दी होगी, तो हमारा किस में चेंज होगा? फिडॉल इंटीग्रल इक्वेशन। और फिडॉल किस में चेंज होगा? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, ठीक है। जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में फिडॉल कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? जिसकी बाउंड्री होगी, ठीक है। ठीक है, अब देखो सेकंड है, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन होमोजीनियस, अगर हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो क्या है? होमोजीनियस है, एंड ऑल द बाउंड्री कंडीशंस आर आल्सो, हमें इसमें बाउंड्री कंडीशन आर आल्सो होमोजीनियस, ठीक है। हमें जो कंडीशन दी है, बाउंड्री कंडीशन दी है, और वो भी क्या है? होमोजीनियस, दैट इज वाई ए नॉट इक्वल टू जीरो, वाई डैस ए वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इस फॉर्म में दी है वाई वाई एन माइनस वन ए एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें जो बाउंड्री कंडीशन दी है, किस डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होगी? कन्वर्टेड इनटू होमोजीनियस फिडॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। जो हमारी किसमें चेंज होगा? हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस में, अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और कंडीशन भी होमोजीनियस दी है, तो हमारा किसमें चेंज होगा? होमोजीनियस फिडॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में, ठीक। तीसरा, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, अगर होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस हो, ठीक है, बट लेकिन उसके सम कंडीशन, सम बाउंड्री कंडीशन आर नॉन होमोजीनियस, अगर उसकी कुछ बाउंड्री कंडीशन क्या है? नॉन होमोजीनियस है, ठीक है। एक दो भी अगर हमें नॉन होमोजीनियस कंडीशन मिल गई, जैसे ये वाली, ठीक है, एक दो भी हमें नॉन होमोजीनियस कंडीशन मिल गई, अगर हमारे डिफरेंशियल का होमोजीनियस भी हो, नॉन होमोजीनियस कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन हमारी कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन हमें नॉन होमोजीनियस मिल गई, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में चेंज होगी? कन्वर्टेड इनटू नॉन होमोजीनियस, ठीक है। ये वाली किस में चेंज होगी? नॉन होमोजीनियस फिडॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या होगा? सेकंड काइंड में ही चेंज होगा, ठीक है, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस रहेगा, ऑलमोस्ट क्या सेकंड काइंड में चेंज होगा, ठीक है। और फोर्थ देखो, इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन होमोजीनियस, ठीक है, इफ हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस दी है, बट उसकी सारी कंडीशन क्या दी है हमें? ऑल कंडीशन आर होमोजीनियस, सारी कंडीशन क्या दी है हमें? होमोजीनियस दी है, होमोजीनियस, दैट इज वाई जीरो इक्वल टू जीरो, वाई डैश वन इक्वल टू जीरो, वाई एन माइनस वन ए एन माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस और बाउंड्री कंडीशन होमोजीनियस दी है, लेकिन हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन किसमें चेंज होगी? डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू नॉन होमोजीनियस में, ठीक है। अगर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस में देखी है, लेकिन कंडीशन हमारी होमोजीनियस देखी है, तो देखिए नहीं क्या किसमें चेंज होगा? नॉन होमोजीनियस फिडॉल इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ऑलमोस्ट क्या होते हैं? सेकंड काइंड में चेंज होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जब इसको निकालते हैं, ऐसे कुछ भी दिया आगे को, ठीक है, हायर ऑर्डर खुद भी फोर्थ थर्ड वाला कुछ भी दिया, ठीक है, हम इसको निकालेंगे तो क्या आएगा? वाई एक्स आएगा, ठीक है, और इसमें क्या आएगा? आगे कोई कॉन्स्टेंट आएगा, अगर हमें वन टू दे रखा है, वन टू कुछ भी दे दिया, ठीक है, क्या आएगा? कॉन्स्टेंट ही तो आएगा, ठीक है। तो अल्फा एक्स क्या होता है? अल्फा एक्स जब कॉन्स्टेंट होता है क्या बनता है? सेकंड काइंड बनता है, ठीक है, तो सेकंड काइंड जो भी आगे को आएगा, ठीक है, सेकंड काइंड फिडॉल होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, वो तो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, कंडीशन डिफरेंशियल इक्वेशन पर, ठीक है, लेकिन ये ऑलमोस्ट क्या बनते हैं? सेकंड काइंड के ही बनते हैं, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट मेथड, देखो अल्टरनेट मेथड, ठीक है, देखो ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी रहेगी, वाई एन एक्स प्लस ए वन एक्स वाई एन माइनस वन एक्स, ठीक है, ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल भी दे सकते हैं या वेरिएबल फॉर्म में, ठीक है, कॉन्स्टेंट भी देते हैं, कॉन्स्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे सकते हैं या वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है? जो हमारा हायर ऑर्डर होगा उसको क्या लिख देना है? यू एक्स के बराबर कर देना है, ठीक है, हायर ऑर्डर को यू एक्स के, फिर इसको इंटीग्रेट करना है, जब तक ये क्या जाए वाई एक्स के फॉर्म में ना जाए, ठीक है, तब तक इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो यू एक्स आएगा, फिर जो जो वैल्यू आएगी उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में रख देना, ठीक है, जो जो ये आएगा हमारे पास वाई एन एक्स आएगा, वाई एन एक्स वाई एन माइनस वन एक्स आते जाएगा, ठीक है, इनकी वैल्यू आती जाएगी, ठीक है, तो इन सब की वैल्यू क्या उठा के जो हमें इक्वेशन दी है उसमें रख देनी है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, देखो क्वेश्चन है हमारा वाई ट्रिपल थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये कौन सी है, थर्ड ऑर्डर वेरिएबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, y ट्रिपल डैश इक्वल टू यू एक्स कर देंगे, ठीक है, फिर हम करेंगे इंटीग्रेट, जैसे हम कर रहे थे पहले, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, टी कर दो, ठीक है, इसे टी कर दो, बोथ साइड इंटीग्रेट बोथ साइड लिमिट 0 to x, ठीक है, लिमिट लगा दी हमने 0 to x, तो 0 to x y ट्रिपल डैश t dt इक्वल टू 0 to x u t dt, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे y डबल डैश t हो जाएगा और 0 to x, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 0 to x u t dt, तो हमारे पास u डबल डैश x माइनस u डबल डैश 0 इक्वल टू 0 to x u t dt, ठीक है, हमें ये दे रखा है u डबल डैश 0 के दे रखा है, जीरो दे रखा है, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, u डबल डैश x इक्वल टू 0 to x u t dt, ठीक है, तो हमारे पास ये देखो, फिर अगेन इंटीग्रेट 0 to x y डबल डैश t dt इक्वल टू 0 to x 0 to x y t dt, ठीक है, अब देखो फिर जाएगा 0 to x नहीं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो जाएगा y डैश t 0 to x जाएगा, इसको यहाँ पे इसको अलग से बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हम 0 to x इसको ऐसे रहने दो अभी, क्योंकि अभी एक बार और इंटीग्रेशन हो गए तो ट्रिपल हो जाएगा ना, ठीक है, क्या जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, या तो तुम अगर करना चाहो तब भी वो ऐसे आएगा x माइनस t u t dt, ठीक है, तो एक बार और होगा तो हमारे पास ये स्क्वायर बन जाएगा, अब देखो ये हो जाएगा y डैश t y डैश x बन जाएगा, y डैश x माइनस y डैश 0, ये y डैश 0 हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, y 0 इक्वल टू 1 y डैश 0 इक्वल टू 1, ठीक है, और यहां जाएगा 0 टू x x माइनस t u t dt, तो ये y डैश x हमारे पास क्या आया, 1, ठीक है, ये 1 है तो मैं इसको जब के जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, x माइनस t u t dt, ठीक है, और दोबारा इंटीग्रेट करेंगे हम, अगेन इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 0 टू x y डैश t dt इक्वल टू 0 टू x dt प्लस 0 टू x 0 टू x x माइनस t u t dt, ठीक है, ये हो जाएगा y डैश t 0 टू x, ये हो जाएगा हमारा t 0 टू x, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये क्या बन जाएगा, ये f t का फंक्शन बन जाएगा, ठीक है, ये अलग फंक्शन बन जाएगा, और फिर इस पर लगेगा डी स्क्वायर टी, तो हमारा 0 टू x x माइनस t इंटू x माइनस t u t dt, ठीक है, तब भी क्या होगा, स्क्वायर ही होगा, ठीक है, अगर तुम ये ट्रिपल इंटीग्रेशन वाला भी करो, ठीक है, 0 टू x 0 टू x अगर इसको वैसे लिख रहे हो, ठीक है, ये जहां पर ये था, ठीक है, अगर इसको ऐसे भी लिखोगे u t dt का q बन जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या है, हमारा क्या किस में चेंज होगा, x माइनस t की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल बनता है f t dt, तो हमारा क्या बनेगा, 0 टू x x माइनस t, यहाँ पे कितने 3 है, ठीक है, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर ये इसको ट्रिपल में ही रहना है, क्योंकि हमारा 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा, वरना फिर ये यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, इसको इसी में रहने देना,
ठीक है, यहाँ पर अभी चेंज मत करना, इसको हम लास्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। यूटी डीटी का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे इसमें चेंज होगा एक 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ हमारा आएगा ut dt, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर आएगा x माइनस t का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल ut dt, ठीक है। ये इस तरीके से आएगा, तो हम लिख देंगे y x माइनस y जीरो इक्वल टू x, ये x आ जाएगा प्लस 0 टू x x माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ut dt, ठीक है। y डैश 0 के तरीके में 1 देखा, तो y x इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 0 टू x x माइनस टी का स्क्वायर t 2 फैक्टोरियल ut dt, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। y डैश जो हमारा y डैश x आया था, हम y डैश x को लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे से हमारा y dash x ही हो जाएगा 1 प्लस 0 टू x, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आएगा हमारे पास x माइनस t ut dt, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ इसको इक्वेशन 1 ले लो, ओ हाँ सॉरी, इसे इक्वेशन पुट वैल्यू ऑफ y y dash y double dash and y triple dash in, जो जो हमने यहाँ वैल्यू दी है y y double dash y triple dash दी है, तो y dash की जरूरत नहीं है, ठीक है। y double dash और y triple dash in 1, जो हमें 1 इक्वेशन मिली, तो y triple dash का हमारा ux plus x into y double dash रखेंगे हम, y double dash क्या हमारा 0 to x ut dt plus x square minus x, यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, y हमारा निकला था 1 plus x plus 0 to x x minus t का square, वैसे क्योंकि हमें y dash पर निकालना नहीं है तो इसकी जरूरत भी नहीं हमें, ठीक है। ये निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि y dash निकालने का निकालना होता हम इसको ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, सिंपल फॉर्म में। तो 1 प्लस x 0 टू x x माइनस t का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल अपॉन ut dt, ठीक है, ये हो गया। और इक्वल टू x प्लस x इंटू e की पावर x प्लस 1, इसको सॉल्व करो तो ux हो जाएगा ux प्लस हम क्या 0 टू x वाले को एक साथ याद, ठीक है। तो ये 0 टू x x यहाँ पे इसके साथ इंटू होगा, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टी का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल को 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करके क्या आएगा, 2 यूटी डीटी, ठीक है। और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स प्लस 1, जो हमें गिवन है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो हमारा ux क्या आएगा, ux इक्वल टू ये सारा एक साइड को लेके चल जाओ, ठीक है। तो हमारा आएगा x e की पावर x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x 1 प्लस x माइनस 0 टू एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस टी का स्क्वायर बाई 2 यू टी डी टी, ठीक है, ठीक है। वेयर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर यू एक्स इक्वल टू वाई ट्रिपल डैस एक्स, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन बनी हमारी, ठीक है, ये कौन सी बनी, नॉन होमोजेनियस
नॉन होमोजेनियस वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, बनी नहीं बनी? नॉन होमोजेनियस है वोल्टा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है, मेनली जो अल्टरनेट मेथड का यूज करता है हाईर, जो हायर डेरिवेटिव वेरिएबल वाले। ठीक है, देखो तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, दिक्कत हो सकती थी तो हमने क्या कर दिया, यहाँ ये जो होता है इसको दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ता हमें। ठीक है, जो इंटीग्रेशन अगर ये आता है 0 to x, x e की पावर x plus 1। ठीक है, तो हमें इसके इंटीग्रेट करना पड़ता है। अगर टी भी है तो t e की पावर t - e की पावर t, फिर इसका लिमिट लगाएंगे यहाँ पर तो ये x रहेगा। ठीक है, इसको जस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसको फिर तीन बार क्या इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, इसके ये नॉन होमोजीनियस की वजह से क्या हो जाता है, और लंबा हो जाता हमारे। ठीक है, और लंबा हो जाता ना, तो हमने क्या कर दिया, सीधा सीधा वाई ट्रिपल डैश एक्स को यू एक्स ले लिया। ठीक है, उसके बाद इसको हमने सब निकाला, जो जो यहाँ पर है वाई ट्रिपल डैश, वाई डबल डैश, वाई एक्स सब निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने वन में रख दिया। तो अब जब तुम इसको अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, ये हमारा अल्टरनेट मेथड है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया हो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल है वहाँ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मेनली क्या आता है, ये कभी नेचर के बारे में पूछ देते हैं, जैसे प्रिकॉशन बताया था, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कर्नल के बारे में पूछ लेते हैं, कभी नेचर पूछ लिया। ठीक है, बी पार्ट में या सी पार्ट में भी बन सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।